है फ्रेंड्स, मेरे चैनल फिश आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक फिश टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आईजीएनटीयू के हॉस्टल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में आ चुका है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और कोर्स अलाइटमेंट करवाने आईजीएनटीयू कैंपस आ रहे हैं। तो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, केरला। तो वो बंदे को एक डाउट रहता है कि वहाँ हम लोग कैसे रहेंगे, अगर वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बट हम उस दिन तो आ नहीं सकते, लेकिन हम लोग रहेंगे क्या, स्टे अरेंजमेंट क्या है वहाँ का। सो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट के मतलब माइंड में, तो वही चीज़ आपको क्लियर करूँगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया है क्वेश्चन। सो दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हॉस्टल की फुल फैसिलिटी है, ठीक है, वहाँ आप स्टे कर सकते हो, ठीक है, वहाँ आप स्टे कर सकते हो, वहाँ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आप रह सकते हो, ठीक है। सो और एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ दोस्तों, आप लोग अगर अभी तक जो भी जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, वो अगर अभी तक हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो प्लीज़ हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दो, बाद में प्रॉब्लम होगी नहीं तो, ठीक है। और ख़ास करके जो बहुत दूर से आ रहे हैं उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी अगर नहीं हो पाया, उनका हॉस्टल नहीं मिल पाया तो। सो दोस्तों, आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको हॉस्टल में रुकने दिया जाएगा, आप चाहे जितने दिन तक रहें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप रह सकते हैं वहाँ, ठीक है। और आप लोगों को बता देता हूँ कि आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, और जो भी अप्लाई नहीं किया प्लीज़ अप्लाई कर दो, बाद में प्रॉब्लम होगी। और कुछ ही दिन बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उससे एक दो दिन बाद जो है हॉस्टल के अलॉटमेंट का लिस्ट भी आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप वैसे ही कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है इसमें। सो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को तो मैं बताया हूँ, आईजीएनटीयू जस्ट वेबसाइट में आना है, एडमिशन में जाना है, किस में आना है। सो फ्रेंड्स, एडमिशन पर टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार का विंडो खुलेगा, हमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ओके। उसके बाद आप लोगों को यहाँ एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नोट लिखा है, आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एडमिशन फी, द कैंडिडेट्स हु वांट टू अवेल द हॉस्टल अकोमोडेशन आर रिक्वायर्ड रजिस्टर टू ऑनलाइन हॉस्टल एप्लीकेशन। सो दोस्तों, आप लोगों को ये एक मैसेज दे दिया गया है, और यहाँ पास ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, ये आप यहाँ बोला है क्लिक हेयर फॉर हॉस्टल एप्लीकेशन, ठीक है। सो और यहाँ पास एक देख सकते हैं आप लोग, हॉस्टल फी विल बी चार्ज्ड सेपरेटली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन और दे दूँ दोस्तों आप लोगों को, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और जनरल यूआर वाले कैंडिडेट को हॉस्टल अलॉटमेंट होने के बाद वहाँ आप लोगों को आई थिंक 3300 आप लोगों को पे करना पड़ता है हॉस्टल के लिए पर ईयर, ठीक है। और ये जो होता है ऑफलाइन इसका प्रोसेस होता है, आप लोगों को इसको ऑनलाइन पे नहीं करना पड़ता, वहाँ बैंक में जाना पड़ता है, वहाँ चालान कटवाना पड़ता है। और बता दूँ आप लोगों को, और जो ST एंड SC स्टूडेंट हैं उनको 500 रुपये पर ईयर के हिसाब से, उनको भी हॉस्टल अलॉटमेंट होने के बाद उन्हें भी फीस देना पड़ता है इतना, ठीक है, चालान कटवाना पड़ता है, देन फ्री, उसके बाद आप लोग रह सकते हो वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है खाना का, आप मतलब खाना खाने के लिए आप मेस में जाएंगे, ठीक है, वहाँ कंपलसरी है मेस में जाना, आप बाहर नहीं खा सकते, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन था, और आगे आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है हॉस्टल के लिए। सो यहाँ आप लिंक पर क्लिक करेंगे,
देन आप लोगों को जो भी है एडमिशन एडमिशन एप्लीकेशन नंबर डालना है तो आप लोग डाल देना। यहाँ न्यू स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पास ये न्यू स्टूडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। सो आप लोगों को भरना है यहाँ एडमिशन एप्लीकेशन नंबर, जो आपने फीस पे किया होगा तो आपका ऊपर में होगा, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर उसी को आप यहाँ डाल देना। और आपके घर से मतलब जो परमानेंट एड्रेस है आपका, परमानेंट हाउस है, वहाँ से कितना डिस्टेंस है आईजीएन टू कैंपस का, आपको यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पर कर देना है। उसके बाद हम लोग चलो भर लेते हैं, मेरा वैसे मैं कर चुका हूँ। डिस्टेंस 150 किलोमीटर, देन चेक एलिजिबिलिटी। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, हमारा पूरा जो इंफॉर्मेशन है पहले से ही फिट रहेगा, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमें यहाँ आर यू एक्स हॉस्टलर ऑफ आइस इन टू, हमें यहाँ क्या कर देना है, नो कर देना, क्योंकि हम लोग फर्स्ट बार जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग यस करेंगे तो यहाँ आपको रूम नेम एंड रूम नंबर भी डालना पड़ेगा, सॉरी हॉस्टल नेम एंड रूम नंबर भी डालना पड़ेगा। सो आगे हम लोग जाएंगे और हमें यहाँ कुछ नहीं डालना है, और यहाँ सबमिट हॉस्टल एप्लीकेशन में हमें क्लिक कर देना है, देन हमारा हॉस्टल के लिए हम लोग अप्लाई कर दिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा।